हीमोफीलिया सोसाइटी एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में संचालित हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर का उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे के द्वारा किया गया, जिसके संबंध में बुद्धा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर एससी कौशिक ने बताया कि करीब 300 के आसपास हीमोफीलिया के मरीज हैं, जिनका चोट लगने के बाद रक्त बंद नहीं होता है और बिना चोट लगे भी कई बार जोर से ब्लीडिंग हो जाती है तथा जोड़ खराब हो जाते हैं, जिससे हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर के सहयोग से बुद्धा हॉस्पिटल को फैक्टर इंजेक्शन प्रोवाइड किया गया है। पहले मरीजों को लखनऊ ले जाना पड़ता था, लेकिन अब यही मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और वे सामान्य जीवन जी सकेंगे। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कमजोरी की वजह से बच्चों में हीमोफीलिया की शिकायत आने लगती है तथा उनके शरीर में खून की कमी होने लगती है। उन्होंने बताया कि हीमोफीलिया सोसाइटी सामाजिक कार्य कर रही है और जो भी सहयोग होगा वो विभाग करेगा। कार्यक्रम में हीमोफीलिया सोसाइटी के अध्यक्ष चंदन कुमार वर्मा, सचिव अंजू वर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुद्धा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर एस सी कौशिक तथा सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, डॉक्टर रियन अग्रवाल साहब और सभा में पधारे हमारे चिकित्सक गण, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पी एस श्रीवास्तव साहब यहाँ पर बेहतर काम करना चाहते हैं, एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। हीमोफीलिया के बच्चे बहुत सारे हैं, सब 4 से 5 साल 6 साल तक आते आते सारे विकलांग हो जाते हैं, सबके घुटने खराब हो जाते हैं और 10 से 12 साल तक उसमें बहुत सारे नहीं रहते हैं हमारे बीच में। तो ये हम चिकित्सकों के बीच में बैठे हैं, ये कन्फेस करने में मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि मैं भी नहीं जानता था कि गोरखपुर में इतने पेशेंट हीमोफीलिया के हैं। हम लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कितने पेशेंट हीमोफीलिया के हैं। तो हमने इनसे पूछा कितने मरीज होंगे, इन्होंने कहा करीब 300-400 मरीज तो डायग्नोस्ड है और बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी कष्ट में है, डायग्नोसिस नहीं हुई है, हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया है कि नहीं है, क्या है, इस तरह से करके ये तादाद बहुत ज्यादा है। तो हमने अपने सहयोगियों से उस समय विचार किया और हमारे जिले के मुखिया सीएमओ साहब भी यहाँ बैठे हैं सर, आईएमए का सरोकार है जिले के स्वास्थ्य से, समाज के स्वास्थ्य हमारा सरोकार है, इसको मैं इसके लिए मैं मना नहीं कर सकता था। तो हमने कहा कि नहीं, आपका हमारा हम आईएमए की तरफ से आपको पूरा सहयोग देंगे और आप अभी पहले सिर्फ जो है एक ऐसा कार्यक्रम करिए जिसमें हम एजुकेशनल प्रोग्राम करिए, जिसमें हम हीमोफीलिया के लोगों से मिल सकें, उनको बता सके उनकी समस्या क्या है और वो आगे अपना जीवन यापन कैसे करें। तो कब हो जाएगा इनको पीजीआई लखनऊ या कहीं उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप आए हैं तो हम अपेक्षा करेंगे उसी तरह से नाता रहेगा। हमने इनको वचन दिया कि बिल्कुल ही रहेगा और हमेशा रहेगा, जब तक हम रहेंगे उसके बाद भी होता है। इसी वचन को निभाने के लिए मुझे बाहर जाना था, आज हमारे आरोग्य मेला चल रहा था, डॉक्टर कौशिक आए कब 2 दिन पहले हमसे मिलने की हम लोग ऐसी सोसाइटी है उसका इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, तो बगैर सोचे मैंने कह दिया बहुत अच्छा मैं बिल्कुल ही आऊँगा। तो ये आप बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं, आपको देख करके मुझे लग रहा है कि हम लोगों को गवर्नमेंट में भी इस तरह की चीज़ें सोचनी चाहिए, हम लोगों को भी सोचनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को किस तरह से बेहतर और अच्छी तरह सुगमता दे मिल सके, इनको फाइनेंशियल कैसे हम लोग सरकार की तरफ से मदद कर सके। मैं ऐसा कुछ प्रयास करूँगा जिससे आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग हमारी तरफ से भी रहेगा, आप लोग भी काम करते रहिए और गवर्नमेंट भी इस एजेंसी में बात करती रहेगी, काम करती रहेगी। अब
अपने हैं, मुझे देखकर बड़ी तकलीफ हुई कि इतने बच्चे हैं जो कि इस मथुरिया से ग्रसित हैं। मैं तो सोचता था कि 4-5 बच्चे होंगे, क्योंकि कभी कभी लोग हमसे मिलने आते हैं कि सहयोग के लिए आते हैं, तो हम लोग असहाय होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जैसे हम कोई मदद कर सकें। तो इसके लिए मैं सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ, कौशिक सिंह को धन्यवाद देता हूँ। तो जो विकलांगता है जो हमने 2-3 साल में देखी है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो जोड़ में ब्लीडिंग हो जाती है। फिजियोथेरेपी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर थोड़ा भी ताकत लगा और वेसल्स कोई रैप्चर हुए, मसल रैप्चर हुआ तो और ज़्यादा। मैं डॉक्टर एस सी कौशिक, डायरेक्टर बुद्धा हॉस्पिटल गोरखपुर, IMA गोरखपुर और हीमोफिलिक सोसाइटी गोरखपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ करीब 300 के आसपास हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, जिनका चोट लगने के बाद रक्तस्राव बंद नहीं होता है और बिना चोट लगे भी कई बार जोड़ में ब्लीडिंग हो जाती है, जोड़ खराब हो जाते हैं, विकलांगता आ जाती है, और ये जेनेटिक डिजीज़ है, कोई इलाज भी नहीं है। तो आज मुझे बहुत हर्ष के साथ यह सूचित कर रहा हूँ कि इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो Factor VIII, Factor IX, जिसकी उपलब्धता देश में बहुत कम है, लेकिन यह IMA गोरखपुर और हीमोफिलिक फेडरेशन, हीमोफिलिक सोसाइटी गोरखपुर के सहयोग से और इनकी मेहनत से हीमोफिलिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हम लोगों को ये फैक्टर प्रोवाइड किया है, दिया है, और यहाँ पे हम मरीजों को अब डायरेक्ट लगा देते हैं। इसकी वजह से इन मरीजों को लखनऊ नहीं जाना पड़ता है, नहीं तो कई बार रक्तस्राव करते हुए बच्चों को लखनऊ लेके जाना बड़ा कठिन काम होता था। तो इस प्रकार यह जो है इनको इलाज यहाँ मिलेगा, और इस इलाज से इनको तत्काल इलाज मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी विकलांगता भी कम होगी, और हमें उम्मीद है कि एक हीमोफीलिया का बच्चा सामान्य जीवन जी सकेगा। एक हीमोफीलिया का बच्चा भी अब सामान्य जीवन जी सकेगा, उसकी शारीरिक विकलांगता नहीं होगी और वह एक समाज में अपने आप को स्थापित कर सकेगा, सामान्य व्यक्ति की तरह अपना काम कर सकेगा। इसकी हम लोग उम्मीद करते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इस कार्य में सफल हों। धन्यवाद। आज हीमोफीलिया सोसाइटी जो गोरखपुर में इस्टेब्लिश हुई है, उसका इनॉग्रेशन था, और ये बहुत ही रेयर बीमारी है, लेकिन इससे इसका इलाज सिर्फ Factor VIII दिए जाने से ही संभव होता है। बहुत कम लोग इसमें सहयोग कर पाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं मगर ट्रीटमेंट के विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है, हर जोड़ में ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस संस्था ने लखनऊ से कोऑपरेशन से इस तरह से शुरू किया, बच्चों को नीडी बच्चों को मदद की जा सके, इसी का आयोजन था। हम आए हुए हैं, हम इस संस्था को धन्यवाद देते हैं और हम अपनी तरफ से इसको पूरा सहयोग करेंगे कि ये अपना काम करते रहें, और मेरी तरफ से CMO की तरफ से जो भी सहयोग होगा बच्चों के लिए हम देते रहेंगे। सर, कोई शुल्क भी है इलाज के लिए? शुल्क जो भी निर्धारित होगा संस्था बताएगी, उसका संस्था से।